आपके साथ एमएन शाह और आप देख रहे हैं के गिरी न्यूज। सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में महिला सुरक्षा के दावों को फेल करती एक तस्वीर सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। यह आरोप मृतक के परिजनों ने लगाए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बता दें कि आरोपी प्रेमी ग्राम प्रधान का भतीजा बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान दशरथ यादव ने जबरन मृतक की मां का अंगूठा लगवाकर अंतिम संस्कार करा दिया। लड़की हमारी है। नहीं तो आप मौजूद नहीं थे, आपके लड़की का अंतिम संस्कार हो गया? हाँ साहब, जला दिया उसको बाइक लाने में। किसने जलवाया? दशरथ प्रधान ने जलवा दिया। आपने इनको रोका था? इनको मैं रोका नहीं, हम आएंगे तब जलाएंगे। तो जबरदस्ती जलवा दिया गया? जबरदस्ती जलवा दिया सर। कहीं तुम 2-2.5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? गरीब आदमी मर जाओगे, इसलिए मैं जलवा देता हूँ। और कोई पूछे किसी का फोन आए बोलना बीमार थी। अच्छा, दरअसल पूरा मामला है रायबरेली के घिसीगढ़ ग्राम सभा का, जहां मृतका के पिता और भाई गाजियाबाद में मजदूरी का काम करते हैं। तो क्या हुआ था आप लड़की के साथ? लड़की साथ हमारे साथ जो है, वो लड़का जो मुलजिम है, वो हमारे साथ दरवाजे बैठकर कभी कभी आता था, व्यवहार था, चाय पानी की करता था, बैठता था, बातचीत करता था। और लेकिन उसको भी मैंने फोन किया था 4 बजे, कत्ल होने मरने के बाद हमने 4 बजे फोन किया तो लड़का हमारा फोन नहीं उठाया। लड़का फोन नहीं उठाया तो फिर हमने फिर प्रधान को फोन किया तो बोले कि हम आग लगा दिया, लाश में जल रही है। हम कहा तुमने बहुत बड़ी गलती, मेरे सर मेरा गला काट दिया। वही मृतका अपने माँ के साथ घर पर ही रहती थी। सुबह माँ कहीं गई थी, तभी आरोपी युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों की माने तो जब मृतक युवती के परिजनों ने थाने में फोन किया तो किसी ने फोन तक नहीं उठाया। मृत लड़की के पिता ने प्रार्थना पत्र देकर थाने में गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक मामले में पुलिस की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? गेंदावती। किस गांव से आती हैं आप? क्या समस्या है आपकी? अब हमारी लड़की को, हम मजदूर आदमी काम करने चले गए, हमारी लड़की घर में थे, काम करके आए 1 बजे तक के माड़ा कुलग हो रहा है, हमारी लड़की नहीं गए तो देखे फांसी पे लड़की, उसको चढ़ा के हम बहुत मले के बैठे, तब तक सारे आदमी इकट्ठा हो गए।